बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम करते हैं आज का पुलाव रेडी प्या पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए तीन से तीन गिलास चावल हैं तो चावलों को हमने अच्छे से भिगो लेना है भिगोने के बाद एक घी में प्याज़ डाला और फ्राई किया हल्का ब्राउन होते ही हमने साथ चिकन डाल देना है जैसे ही हमने चिकन डाला चिकन को अच्छे से हमने फ्राई करना है हमने बहुत टेस्टी सा पुलाव हमारा तैयार होने वाला है आप सबको गाइस पसंद आगा हमने इसको हल्का ब्राउन करते करते प्याज को सात सात चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि हमारा ब्राउन चिकन ब्राउन होना है तो एक साइड से नहीं ना हमने ब्राउन करना हमने दोनों साइडों से चिकन को अच्छे से ब्राउन करना है इसके अंदर ब्राउन होने के बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया फिर इनको अच्छा सा भूनना है जैसे ही हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने और पुदीना डाल देना है टमाटर और पुदीना डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है करने के बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है मिक्स करके इसको फ्राई करना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए इसके अंदर डाला हमने नमक नमक हसवे जायका जितना आप चाहें उतना ही आप अपनी पुलाव में डालें जितना आपके घर वाले लाइक करते हैं अब इसमें नमक डाला नमक डालने के बाद हमने गरम मसाला साबुत गरम मसाला डाला साबुत गरम मसाला डालने के बाद साबुत गरम मसाले में, में है मोटी इलायची दालचीनी करी पत्ता ज़ीरा और ऐसे हमने डाला एक प्याली दही दही से हमारे चावलों में बहुत मज़ा लगता है दही लाजमी डालना चाहिए अब हमने इसके अंदर डाली है दरा मिर्च अगर आप चाहे तो कुटी हुई पीसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने दरा मिर्च डाली इससे बिरयानी का इसमें पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी ख़ूबसूरती बहुत आती है अब हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स इसको अच्छे से फ्राई करना है जैसे ही हमारी सब चीजें अच्छे से फ्राई हो जाए पानी खत्म हो जाए और ऑयल आना शुरू हो जाए अब इसमें डाला एक चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ये देखिए अब इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है तो हमने इसमें डाल देना पानी अगर आपके तीन गिलास पानी है तो आपने चार अगर आप तीन गिलास चावल के हैं तो आपने चार गिलास पानी के डालने हैं चार से पाँच गिलास डालने हैं पानी के पुराना चावल में पानी ज़्यादा डलता है इन नए चावल में पानी बहुत ही कम मुनासिब डलता है क्योंकि हमारे चावल पुराने हैं हमने इसके अंदर चार से छ गिलास पानी डाले हैं चार गिलास चावलों के थे और छः गिलास पानी के थे अब हमने इसमें न, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको हमने डाँब कर रख देना है गाइस अगर आपको मेरा पुलाव और बिरयानी पसंद आए तो इसे इसको लाइक और शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता है जैसे ही हमारा पानी ऐसे पकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने चावल डाल देने देखिए कैसे हमारा पानी पक रहा है इसके अंदर हमने चावल डाल देने चावल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है ये हमारे सारे चावल डाल गए हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अब हमने इसको डाँप कर रख देना है पाँच मिनट बाद इसका ढक्कन खोलकर हमने दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करना और साथ नमक लाजमी चेक करना कम और ज़्यादा नमक हो जाता है ज्यादा नहीं डालना चाहिए कम ही डालना चाहिए बाद में नमक डल जाता है अगर ज्यादा डल जाए तो फिर कम नहीं होता इसलिए इसके ये ऑप्शन है अगर कम डालेंगे तो बाद में ज़्यादा हो ही जाएगा ठीक है पाँच मिनट बाद हमने दोबारा इसको ढाम कर रख देना है और खोलना है ये देखिए अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं थोड़ा सा दम लगने वाला है बस इसके अंदर इसको मिक्स करना है ऊपर चावलों को फिर हमने अपना जरदा रंग डाल लेना है अब हमने फूड कलर डालना है फूड कलर डालने के बाद हमने इसको दम पे लगा देना है दोबारा पाँच मिनट बस क्योंकि हमारे चावल ऑलरेडी तैयार हैं और हमने है। इसमें फूड कलर डालना है इसको अच्छे से कलर देना है कलर